दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एंड्रॉयड और आईओएस की जो फाइट है वो तो काफी जो है ना लंबे अरसे से काफी लंबे टाइम से समय से जो है ना वो फाइट जो ना चल रही है, लेकिन आज एक ऐसा वक्त आ चुका है, एक ऐसी स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं, अभी हम कह सकते हैं कि एंड्रॉयड इज बेटर देन आईओएस। लेकिन उसके बावजूद भी आईओएस जो है ना कई मामलों में आज भी जो है ना एंड्रॉयड को पीछे छोड़ रहा है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या वाकई गूगल ने आईफोन को जो है ना किल कर दिया है। तो दोस्तों जुड़े रहिए इस वीडियो में आखिर तक, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। लेट्स बिगिन। दोस्तों एंड्रॉयड और आईओएस की जंग में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेके, जो कि एक फोन में सबसे ज्यादा मेन चीज जो है ना समझी जाती है, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते होंगे कि माजी में मतलब आईफोन अपने फोन्स में, अपने सारे फोन्स में जो है ना 5 साल के जो है ना मेजर अपडेट्स जो है ना देता था, और वो भी ऑन टाइम, मतलब जिस दिन अपने किसी लेटेस्ट फोन में देता है उसी दिन उसके जो पिछले जो भी मॉडल है उनमें भी सभी में वो अपडेट जो है ना आ जाता है, ठीक है ना। ये एक अलग बात है कि किसी फोन में जो फीचर्स होते हैं वो जो है ना निकाल लिए जाते हैं, किसी फोन को कुछ फीचर्स जो है ना दिए जाते हैं, और किसी फोन में कुछ जो है ना फीचर्स दिए जाते हैं उसके मॉडल के हिसाब के मुताबिक। लेकिन अभी इस मामले में गेम चेंज हो गई है, क्योंकि ये सिलसिला जो है ना शुरू होता है सैमसंग से। सैमसंग ने आज से 2-3 साल पहले 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स का जो है ना प्रॉमिस किया था। फिर उसके बाद जो है ना सैमसंग जो है ना अपने S23 सीरीज के साथ जो है ना 5 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स का जो है ना प्रॉमिस कर चुका है। अभी इन दोनों को जो है ना बीट कर दिया है गूगल ने। गूगल ने भाई वो काम किया है जो किसी ने नहीं किया। गूगल ने 7 ईयर्स के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स का जो है ना प्रॉमिस कर दिया। मतलब आप खुद सोचें, अगर आप गूगल का फ़ोन आज लेते हैं 2023 में, तो आपको 2030 तक आपको उसके मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, और इस चीज़ में मैं रियली जो है ना गूगल को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। लेकिन इसके साथ एक जो है ना प्रॉब्लम भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि गूगल 7 साल के अपडेट तो दे देगा, लेकिन गूगल के पास इतना स्ट्रॉन्ग जो है ना हार्डवेयर नहीं है। गूगल का जो प्रोसेसर है वो बहुत अच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसका प्रोसेसर अच्छा नहीं है। अभी जो G3 जो प्रोसेसर है उनका जो है ना 3rd जनरेशन का, वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो प्रोसेसर भाई वही सेम है एक्सिनोस का जो है ना प्रोसेसर है, जो मतलब सैमसंग की तरफ से जो है ना मतलब जो है ना बनवाया गया है, और उस प्रोसेसर की जो पावर है वो आप सैमसंग के S21 S20 जो भी हैं उनको जो है ना यूज़ करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। फ़ोन बहुत हीट होते हैं प्रोसेसर के साथ, G3 के साथ जो है ना फ़ोन काफ़ी हीट होते हैं, और जो परफॉर्मेंस है वो जो है ना लैग करती है उसमें। बाकी गूगल जो है ना ट्राई करता है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, ओके आप सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो है ना अभी अपनी परफॉर्मेंस को वो कर रहे हो, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें जब आपके सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते रहेंगे, सॉफ्टवेयर जो है ना हैवी होते जाएंगे, तो उनको चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर भी चाहिए होता है, तो जो अभी गूगल के पास नहीं है, और ये एडवांटेज जाता है iOS के पास। iPhone के पास जो है ना बहुत अच्छा हार्डवेयर है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ऑप्टिमाइजेशन को लेके उसके बाद जाके उनका जो आउटपुट है, उनका जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी जो है ना मैच्योर है। दोस्तों अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो है ना गूगल का सॉफ्टवेयर मैच्योर नहीं है, गूगल का सॉफ्टवेयर अभी आज के ज़माने में iOS को भी जो है ना बीट कर रहा है। मतलब गूगल के जो सॉफ्टवेयर अभी जब आता है ना बिल्कुल स्मूथ, और जो है ना बग्स फ्री, कोई एक आध बग्स जो मतलब ना होने के बराबर है। और iOS का तो सिलसिला कुछ इस तरह से है कि मतलब फ़ोन लॉन्च होता है, नया iOS लेके आता है, फिर उसमें पूरे बग्स होते हैं, एप्पल उसको पूरे साल जो है ना साफ करता रहता है, अपडेट दे के उसके बाद साल ख़त्म होता है तो नया फ़ोन आ जाता है, फिर नया सॉफ्टवेयर आ जाता है, फिर उसको जो है ना लग जाता है कि फिक्स करना है। लेकिन एंड्रॉयड के साथ अभी ऐसा नहीं है, एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर बहुत ही मैच्योर हो चुका है, और उसके अपडेट्स का सिलसिला भी बहुत अच्छा हो चुका है। लेकिन बैटरी लाइफ आज भी जो है ना आईफोन में अच्छी है, ठीक है ना। आईफोन में एक वक्त था जब बैटरी लाइफ की बहुत कंप्लेंट होती थी, लेकिन आज आईफोन की बैटरी लाइफ वन ऑफ द बेस्ट बैटरी लाइफ फ़ोन इन द फ्लैगशिप कैटेगरी में, ठीक है ना। तो लेकिन आज एंड्रॉयड बैटरी लाइफ में बहुत पीछे है, ठीक है ना। अगर आप सैमसंग या गूगल के फ़ोन ले लेते हैं तो एक दिन से ज़्यादा बैटरी निकालते नहीं है, जबकि आईफोन 2 दिन की बैटरी आपको ईजिली जो है ना दे सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है ना शेयर करूं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं फ्यूचर में इस किस्म की वीडियोस और भी लेके आता रहूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने किसी और नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।